पहले तो मैं ये अर्ज करूं, मुहर्रम की इस्लाम में फजीलत क्या है और क्यों है ये फजीलत? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहर्रम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरुल्लाह करार दिया है। सही हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही है मुस्लिम की हदीस है कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा जो रोज़े अफजल हैं वो शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह के महीने मुहर्रम के, यानी अल्लाह की तरफ उस मुहर्रम की निस्बत की जा रही है, तो एक बड़ी फजीलत की चीज़ है। और कुरान में जिन चार महीनों को मुहतरम करार दिया है, अरब उन महीनों में जंग व जिदाल को हराम समझा करते थे कि यार ये नाजायज़ है, इसमें जंग नहीं करनी चाहिए, इन महीनों का एहतराम लाजिम है, उनमें चार महीनों में मुहर्रम भी है। मुहर्रम, रजब, ज़िलहिज्जा, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, ये चार महीने हैं जो मुहतरम है, लेकिन उनमें फिर रजब भी दाखिल है और ज़िलक़ादा भी और ज़िलहिज्जा भी, तो ये भी है। और 10 मुहर्रम के रोज़े की बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक साल के गुनाहों की माफ़ी का जरिया बनता है, लेकिन आपने फरमाया कि यहूदियों की मुशाबहत ना करो, क्योंकि यहूदी दो एक रोज़ा रखते हैं, तो हम 9-10 या 10-11 दो रोज़े मिलाएंगे। तो ये मुहर्रम की फजीलत है। और ये क्यों है, इसकी हमें वजह मालूम नहीं है। जैसे किसी ने अभी भाई ने सवाल पूछा ना कि इसमें कोई वाक़ियात हुए थे, तो पहले मैं बता दूँ, 10 मुहर्रम में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के महीने की ये फजीलत बयान की, तो इस किसी वाक़े की बेस पर बयान नहीं की है। इस बारे में जितने वाक़ियात हमारे पास मनकूल हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पे आए थे, या क़यामत आएगी इस दिन, या ये कि और पता नहीं क्या क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, ये सब मनगढ़ंत हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है, मौजू रिवायतें। अलबत्ता इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फिरौन से निजात मिली थी, इस बारे में रिवायत सनदन बेहतर है, यानी उसको मुस्तनद रिवायत कहा जा सकता है। तो वो ये कहा जा सकता है कि 10 मुहर्रम को मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को अल्लाह ने फिरौन से निजात दी थी, इसी बेस पे यहूदी रोज़ा रखा करते थे इस दिन। तो ये रिवायत के अलावा बाकी जितने भी वाक़ियात हैं सब मनगढ़ंत हैं। बाकी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो करबला में शहादत मिली है, वो तो 10 मुहर्रम, वो तो फजीलत तो इस्लाम में पहले से थी, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़िया तो बाद में हुआ है, तो इससे हज़रत हुसैन की शहादत को और फजीलत मिल गई कि आपको एक मुक़द्दस दिन में अल्लाह ताला ने शहादत अता फरमाई है।